तो फाइनली गाइस मेरे को इन्होंने भाई के ड्रैगन थ्रेड गेम का न्यू अपडेट मिल चुका है। तो चलो गाइस मैं जल्दी से गेम को अपडेट कर लेता हूं। एंड जैसे गेम को अपडेट करके पुलिस स्टेशन पे जाता हूं तो पुलिस स्टेशन गेट पे यहां पे दो दो बॉडीगार्ड देखने को मिल जाता है। एंड बॉडीगार्ड के हैंड में आप लोग को गन भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप लोग अपने गेम को अपडेट कैसे कर सकते हो चलो मैं आप लोग को बताता हूं। उससे पहले गाइस आप लोग ये देख लो गाइस हमारे गेम के अंदर न्यू थार ऐड हो चुका है और न्यू थार काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू थार को कौन सी चीज को नंबर से स्पॉन करा सकते हो चलो मैं आप लोग को बताता हूं। और गाइस आप लोग ये देख लो गाइस मैं अपने गेम के अंदर यहां पे रैन मोड को एक्टिवेट करा लिया है। तो गाइस आप लोग कौन सी चीज को नंबर डाल के रैन मोड को एक्टिवेट करा सकते हो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और गाइस आज की वीडियो के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि आप लोग को तीन तीन गुड न्यूज देने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग खुशी से नाचने वाले हो। इस बार की अपडेट के अंदर आप लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों ने बाकी ड्रैगन थ्रेड गेम का न्यू अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आप लोगों ने गाइस मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ यूनिक आने वाला है। तो आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर कर लेना। और आप लोग गाइस अभी तक मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप लोग जगह फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पे आप लोग न्यू अपडेट से रिलेटेड मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड मैं उसके जवाब 100% दूंगा। तो आप लोग जगह फॉलो जरूर कर लेना। और सीकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन देखने को मिल जाएगा। आप लोग जगह सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग GTA 5 गेम की स्टोरी वीडियो देखने को मिलेगी और साथ ही आप लोग काफी सारे न्यू चीजें भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जगह सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस इस वीडियो का 4K लाइक का टारगेट है तो आप लोग 4K लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा आप लोग पुलिस स्टेशन के गेट पे बॉडीगार्ड को कैसे ऐड कर सकते हो एंड बॉडीगार्ड को ऐड करने के लिए कौन सा चीट कोड नंबर डाल करना पड़ता है। इससे पहले गाइस आप लोग ये वाले ट्रिक को ट्राई कर लेना, उसके बाद मैं आप लोग को चीट कोड नंबर बताऊंगा कि कौन से चीट कोड नंबर से आप लोग बॉडीगार्ड को यहां पे ऐड कर सकते हो। तो क्या करना है सबसे पहले तो गाइस आप लोग को हैमर कार को स्पॉन करा लेना है। हैमर कार को स्पॉन करने से पहले गाइस आप लोग इन्फिनिटी वेल्थ को जरूर एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद गाइस आप लोग को वेपन्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और वहां पे गाइस आप लोग क्या करना है तो वहां पे आप लोग स्टिकी बम को सिलेक्ट कर लेना है और कार के चारों तरफ आप लोग को स्टिकी बम को लगा देना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने कार के चारों तरफ यहाँ पे स्टिकी बम को लगा दिया है। तो कुछ इस तरह से आप लोग भी स्टिकी बम को लगा देना और मैं फिर से बोलता हूँ आप लोग इन्फिनिटी फेल को जरूर एक्टिवेट कर लेना। अब गाइस आप लोग क्या करना है जब आप लोग स्टिकी बम को लगा लोगे उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे जेसवी को स्पॉन कराना है न्यू अपडेट में आने वाले जेसवी को। तो जेसवी के लिए आप लोग को यहाँ पे 6677 डाल करना होगा एंड जेसवी स्पॉन हो जाएगा। और अब आप लोग को क्या करना है तो जेसवी के अंदर आप लोग को जाकर सीधे इंटर कर जाना है और आप लोग को क्या करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइस आप लोग को लेफ्ट साइड में जो आप लोग का फर्स्ट बटन देखने को मिलता है जेसवी के उस पे आप लोग को क्लिक करना है। ऐसे गाइस उस पे क्लिक करोगे तो जेसवी का जो आगे का पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को जेसवी को कुछ इस तरह से लगाना है। अगर आप लोग जेसवी को ब्लास्ट नहीं करवाना चाहते तो आप लोग जेसवी को पीछे ही करना। उसके बाद गाइस आप लोग दूसरे वाले बटन पे यानी कि लेफ्ट साइड के दूसरे वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ऐसे गाइस ये जो कार पे आप लोगों ने स्टिकी बम को लगाया था वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक के बारे में आप लोग को पता था या फिर नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि ये खतरनाक वाला ट्रिक था। मैं आप लोग को बताऊंगा कौन सी चीज को नंबर से आप लोग पुलिस स्टेशन के गेट पे ये बॉडीगार्ड को स्पॉन करा सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो ये जो बॉडीगार्ड है इसके ऊपर मैंने अभी फायर किया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस अवेलेबल था वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। और गाइस जो बॉडीगार्ड था गेट पे जो पुलिस स्टेशन के गेट पे बॉडीगार्ड था वो गन से मेरे ऊपर फायर कर रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे फीचर आप लोग को अपडेट करने के बाद देखने को मिल जाएगा। भाई आप लोग देख सकते हो वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है और ये जो नीचे आप लोग को पुलिस देखने को मिल रहा है ये भी गाइस मेरे को यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा है। अगर गाइस आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर किसी NPC या फिर पुलिस वाले के ऊपर फायर करते हो पुलिस वाले आप लोग के ऊपर अटैक करेंगे और जो बॉडीगार्ड है वो भी अटैक करेगा। आप लोग देख सकते हो बॉडीगार्ड मेरे को यहाँ पे गन से शूट कर रहा है। एक तो बॉडीगार्ड उधर घूम रहा है भाई आप लोग देख सकते हो, इधर मैंने आया तो ये फायर करना चालू किया है। और गाइस ये जो बॉडीगार्ड फायर कर रहा है इसका जो गोली है वो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। और गाइस आप लोग इन्फिनिटी हेल्थ को एक्टिवेट करोगे और फिर भी ये जो बॉडीगार्ड है ये आपके ऊपर फायर करेंगे तो आप लोग का जो हेल्थ है वो डाउन होगा और आप लोग का जो गेम है वो वास्टेड होगा। अभी के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर आप लोग को इतना ही फीचर देखने को मिलेगा। और ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए गेट को ओपन कर दिया गया और ऊपर वाले फ्लोर पे भाई नेक्स्ट वाले अपडेट के अंदर वर्क स्टार्ट होगा। देखो गाइस अपडेट में काफी ज्यादा लेट हो चुका है तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को पुलिस स्टेशन के गेट पर बॉडीगार्ड को स्पॉन करने के लिए कौन सा चीट कोड नंबर डाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस आप लोग कोई भी चीट कोड नंबर डाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप लोग गेम को अपडेट करोगे और पुलिस स्टेशन के गेट पे जाओगे तो वहां पे आप लोग को दो बॉडीगार्ड ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। उसके लिए आप लोग कोई भी चीट कोड नंबर डाल नहीं करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के इस बार की अपडेट के अंदर इतना ही फीचर देखने को मिलेगा और ऊपर वाले फ्लोर पे नेक्स्ट वाले अपडेट के अंदर वर्क करा जाएगा क्योंकि अपडेट में काफी ज्यादा लेट हो चुका है। पुलिस स्टेशन के अंदर कौन कौन सा फीचर ऐड होना चाहिए आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं डेवलपर को बोल के ऐड करवा दूंगा। आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू थार को कैसे ले सकते हो और न्यू थार को कौन सी चीट को नंबर से स्पॉन करा सकते हो चलो मैं आप लोग को बताता हूं। तो अभी मैं आप लोग को न्यू थार का भी चीट को नंबर बताऊंगा जिससे आप लोग न्यू थार को स्पॉन करा सकते हो। उससे पहले मैं आप लोग को चीट को नंबर सुपर कार का बता देता हूं। जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर यहां पे 4000 डाल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर 4 स्टार देखने को मिल जाएगा। और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 2020 डाल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर इंडावर कार देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इस कार का RGB कलर करते हो तो अदर कार से अलग आप
आप लोगों को आरसीबी कलर देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं गाइस आप लोगों को सुपरा का चीट कोड नंबर बता देता हूं, क्योंकि सुपरा का चीट कोड नंबर काफी बंदे को नहीं पता है। तो 2244 डाल करोगे गाइस तो आप लोग गेम के अंदर सुपरा देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को मस्तंग जीटी कार का भी चीट कोड नंबर बता देता हूं, तो उसके लिए गाइस आप लोगों को डाल करने का 8123। जैसे आप लोग 8123 डाल करोगे गाइस तो आप लोग गेम के अंदर मस्तंग जीटी कार देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो मस्तंग जीटी कार स्पॉन हो चुका है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को फरारी कार का भी चीट कोड नंबर बता देता हूं, क्योंकि ये सभी कार का चीट कोड नंबर अभी काफी बंदे को नहीं पता है। तो गाइस मैं आप लोगों को इसलिए रेगुलर चीट कोड नंबर बता दिया करता हूं। तो जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 8811 डाल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर फरारी कार देखने को मिल जाएगी, और फरारी कार काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। और ये सारी सुपर कार में से आप लोग कौन सी सुपर कार अच्छा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मैं आप लोगों को बोलेरो कार का भी चीट कोड नंबर भेजता हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को न्यू फायर इंजन का चीट कोड नंबर भेजता हूं। तो जैसे आप लोग अपने गेम के अंदर 606 डाल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर फायर इंजन देखने को मिल जाएगा। और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 6677 डाल करोगे तो न्यू अपडेट में आने वाली जेसवी देखने को मिल जाएगी। और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 8880 डाल करोगे गाइस तो आप लोग गेम के अंदर यहाँ पे न्यू अपडेट में आने वाली हैमर कार देखने को मिल जाएगी। और हैमर कार मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने हैमर कार का कलर येलो कर दिया है। मैं गाइस आप लोगों को बोलेरो कार का चीट कोड नंबर भेजता हूँ, उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को थार का चीट कोड नंबर बता दूंगा न्यू वाला। तो जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 3100 डाल करोगे गाइस तो आप लोग गेम के अंदर यहाँ पे बोलेरो कार देखने को मिल जाएगी। तो मैं गाइस आप लोगों को न्यू वाली थार का चीट कोड नंबर भेजता हूँ। तो जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर यहाँ पे 9090 डाल करते हो तो गाइस आप लोग गेम के अंदर ये वाली थार देखने को मिलती है। एंड मैं आप लोगों को पिछले बार की वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि गाइस हमारे गेम के अंदर जो न्यू थार ऐड होगा उसका व्हील्स वगैरह चेंज कर दिया जाएगा और यही वाली आप लोगों को थार देखने को मिलेगा। तो यही वाली थार गाइस आप लोगों को इस बार की अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगी, बट इसका जो व्हील्स वगैरह है वो चेंज कर दिया जाएगा। और गाइस इसका जो बैक का पार्ट है वो थोड़ा सा कट कर दिया जाएगा और इसको छोटा कर दिया जाएगा। तो इस बार की अपडेट के अंदर जो न्यू थार आ रहा है उसका मैं आप लोगों को फोटो दिखा देता हूं। हमारे गेम के न्यू अपडेट में आप लोगों को यही वाली थार देखने को मिलने वाली है, और ये थार काफी ज्यादा ऑसम लग रही है और 4x4 भी लग रही है। तो गाइस आप लोगों को न्यू थार कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को न्यू थार का गेम प्ले भी दिखाने वाला हूं, और उसके अंदर मैं आप लोगों को न्यू वाली थार का चीट कोड नंबर भी बता दूंगा। और गाइस मैं आप लोगों को गुड न्यूज भी बता देता हूं। गाइस आप लोग सोच रहे भाई हमारे गेम के अंदर न्यू वाला थार ऐड हो रहा है तो हमारे गेम के अंदर से ये मॉडिफाइड वाले थार रिमूव हो जाएगा, तो इसका जवाब है नो। गाइस हमारे गेम के अंदर आप लोगों को मॉडिफाइड वाला थार भी देखने को मिलेगा और साथ ही न्यू वाला थार देखने को मिलेगा। न्यू वाला थार का अलग चीट कोड नंबर रहने वाला है, और ये वाली थार का आप लोगों को चीट कोड नंबर पता ही है, 9090 डाल कर दो तो स्पॉन हो जाती है। तो हमारे गेम के अंदर से गाइस मॉडिफाइड वाली थार को रिमूव नहीं करा जाएगा। और गाइस आप लोग 4x6 डाल करते हो तो गाइस आप लोग गेम के अंदर जो ये आप लोगों को रेंज रोवर देखने को मिल रही है भाई, ये न्यू मॉडल के साथ आप लोगों को रेंज रोवर इस बार की अपडेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेवलपर ऐसे बोले कि उनके पास टाइम मिलेगा तो न्यू मॉडल के साथ रेंज रोवर को ऐड करेंगे। तो मैं आप लोगों को दो गुड न्यूज तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और दो गुड न्यूज और मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा। इससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर रैन मोड को कैसे ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैं अपने गेम के अंदर रैन मोड को ले लिया और रैन मोड को एंजॉय भी कर रहा हूं। तो आप लोग अपने गेम के अंदर रैन मोड को कौन सी चीट कोड में से एक्टिवेट करा सकते हो वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। रैन मोड का जो चीट कोड नंबर है वो सिंपल ही रहने वाला है, जिस तरह से गाइस आप लोग 9 डाल करते हो तो गाइस आप लोग गेम के अंदर नाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, और फिर से गाइस 9 डाल करते हो तो डे मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसी तरह से गाइस हमारे रैन मोड का भी चीट कोड नंबर रहने वाला है, एक चीट कोड नंबर आप लोग कोई भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे गेम के अंदर रैन मोड कब ऐड होगा वो मैं आप लोग को बता दूं। गाइस मैं डेवलपर से ऑलरेडी रैन मोड को ऐड करने के लिए बोल दिया था, लेकिन डेवलपर बोले कि गेम के अंदर अगर रैन मोड आएगा तो उससे गेम का परफॉर्मेंस लो होगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा तब हमारे गेम के अंदर रैन मोड आएगा। आप लोग ये गेम को 1 ईयर एगो से अगर गेम को प्ले करते हो तो आप लोग को पता होगा गाइस हमारे गेम के अंदर बोलेरो कार को ऐड करने के लिए आप लोग काफी टाइम पहले से कमेंट कर रहे थे 1 ईयर एगो से, लेकिन गाइस अब हमारे गेम के अंदर यहाँ पे बोलेरो कार को ऐड करा गया है, क्योंकि बोलेरो कार को ऐड करने में प्रॉब्लम आता था, उसका सोल्यूशन डेवलपर ने ढूंढा, फिर हमारे गेम के अंदर बोलेरो कार को ऐड करा। उसी तरह से गाइस अभी रैन मोड को ऐड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे गाइस उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो हमारे गेम के अंदर रैन मोड भी आ जाएगा, और चीट कोड नंबर डाल करके आप लोग रैन मोड को भी एक्टिवेट करा सकते हो। तो जैसे हमारे गेम के अंदर रैन मोड ऐड हो जाएगा गाइस मैं आप लोग को वीडियो बना के रैन मोड का गेम प्ले भी दिखा दूंगा, और साथ ही कौन सी चीट कोड नंबर से रैन मोड को एक्टिवेट कराना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं रैन मोड का गेम प्ले डालूंगा और उसका चीट कोड नंबर बताऊंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड उस वीडियो से आप लोग रैन मोड का चीट कोड नंबर ले सकते हो, एंड आप लोग भी अपने गेम के अंदर रैन मोड को एक्टिवेट करा सकते हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गन से रिलेटेड मैंने डेवलपर से बात करा तो उन्होंने कहा कि गन अभी हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन मैंने बोला कि न्यू वाला गन ऐड करो, तो डेवलपर बोले ठीक है हम देखते हैं, अगर मॉडल मिलता है तो हम गेम के अंदर न्यू गन को ऐड करेंगे। तो जैसे मॉडल वगैरह अवेलेबल होगा गाइस हमारे गेम के अंदर न्यू गन जरूर आ जाएगा। वैसे तो मॉडल अवेलेबल है, कमेंट करते रहो, हमारे गेम के अंदर आप लोगों को न्यू गन जरूर देखने को मिलेगा। और जैसे गन वगैरह पूरी तरीके से कंफर्म होता है मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मैं गाइस आप लोगों को लास्ट गुड न्यूज बता देता हूं, लेकिन गुड न्यूज इस अपडेट का नहीं है, क्योंकि इस अपडेट के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तो गाइस यहां जो आप लोगों को एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है, और एयरपोर्ट गाइस हमारे गेम के अंदर ओनली बिल्डिंग है, और एयरपोर्ट पे आप लोगों को कुछ भी स्पेशल चीजें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए गाइस आप एयरपोर्ट का मॉडल परचेस करेंगे और डायरेक्ट हमारे
गेम के अंदर एयरपोर्ट का न्यू वाला मॉडल को डाला जाएगा। और एयरपोर्ट तो ये कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे आप लोग को बिल्डिंग वनली देखने को मिलता है और दो प्लेन देखने को मिलता है, इसके अलावा एयरपोर्ट पे आप लोग को कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन जो न्यू वाला मॉडल आएगा एयरपोर्ट का वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन इस बार के अपडेट में तो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन इसीलिए इस बार के अपडेट के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट वाले अपडेट के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे कंफर्म ये एयरपोर्ट वगैरह होगा मैं आप लोग को फिर से वीडियो बना के बताऊंगा। अगर डेवलपर हमारे गेम के अंदर न्यू वाला एयरपोर्ट ऐड करेंगे तो उस एयरपोर्ट पे आप लोग क्या क्या फीचर ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता देना, ताकि मैं डेवलपर को बोल के वो सारे फीचर ऐड करवा दूंगा जो भी आप लोग फीचर ऐड करने के लिए कमेंट करोगे। आप लोग अपने गेम को अपडेट कैसे करोगे, तो दो तरीके से आप लोग गेम को अपडेट कर सकते हो। पहले तो जब गेम का अपडेट आएगा तब आप लोग गेम को अपडेट कर सकते हो। तो गेम का अपडेट कब आएगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस जो गेम का अपडेट है वो आप लोग को इस मंथ के एंड तक देखने को मिल जाएगा, तो उस टाइम आप लोग गेम को अपडेट कर सकते हो। एंड अभी आप लोग गेम को अपडेट करना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो गाइस उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हमारे वीडियो के नीचे गाइस आप लोग अपडेट वर्जन के लिए कमेंट कर देना। अगर आप लोग अधिक से कमेंट करोगे तो मैं आप लोग को अपडेट वर्जन का लिंक दे दूंगा। एंड उससे गाइस आप लोग अपने गेम को अपडेट करोगे तो आप लोग के गेम के अंदर गाइस यहाँ पे न्यू पुलिस स्टेशन आ जाएगा, और पुलिस स्टेशन के अंदर गाइस आप लोग को पुलिस मैन देखने को मिलेगा, और पुलिस स्टेशन के गेट पे बॉडी गार्ड भी देखने को मिलेगा, और हमारे गेम के अंदर जो न्यू थार आया है वो न्यू थार भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और हमारे गेम के अंदर काफी सारी चीजें ऐड हो रही है, तो वो सारे आप लोग को अपडेट वर्जन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग को अपडेट वर्जन चाहिए तो गाइस आप लोग अधिक से अधिक कमेंट जरूर कर देना। बाकी बात आप लोग को इस बार की अपडेट के अंदर आप लोग को काफी सारे चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले बार के अपडेट के अंदर उतना ज्यादा चीजें आप लोग को देखने को नहीं मिली थी। और इस बार के अपडेट के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता देना गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय।